गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर टू टॉपिक है कालिदास। कालिदास जी को जैसे क्वेश्चन आंसर आपको कल दो राइट करा दिया गया था, आप लोग लर्न कर लिए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर गौपय। पंडितों ने कालिदास से सांकेतिक भाषा में उत्तर देने को क्यों कहा? क्वेश्चन है हमारा क्यों कहा, क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि पंडितों को इनकी मूर्खता के बारे में ज्ञान हो चुका था। अगर वो जानते थे कि अगर मौखिक भाषा में ये उत्तर देंगे तो जो पंडित थे उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उन्होंने उनको सांकेतिक भाषा में कि उत्तर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। जैसे अभी आपको लिखवा दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर, वह देखिए प्रश्न ग पंडितों ने कालिदास दास से पंडितों ने कालिदास से क्योंकि पंडितों को यहां से हमारा आंसर पंडितों को उसकी मूर्खता के बारे में क्या हो चुका
पंडितों को उनकी मूर्खता के बारे में ज्ञान हो चुका था कि वो कितने बुद्धिमान हैं। पंडित लोग जो पंडित थे और राजकुमार थे वो जान गए थे, अगर चुका ज्ञान हो चुका था, वे लोग जानते थे कि अगर मौखिक भाषा लुप्त कर देंगे तो वाली दास जी हार जाए थे। ये हमारा आंसर है, इसको अपनी कॉपी में राइट करेंगे, कॉपी वर्क है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, राजकुमारी ने कालिदास को महल से क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया आपको स्टोरी में पता ही है, क्योंकि राजकुमारी को यह ज्ञात हो चुका था कि उनका पति कितना महामूर्ख है। कालिदास को महल से क्यों निकाल दिया? कालिदास को महल से जान चुकी थी कि उनका पुत्र अरे उनका पति सॉरी जो उनका पति महा कभी नहीं होते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
हम कठोर परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे,
हमें विद्या पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, हम अपने ज्ञान को अर्जित कर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। वह ज्ञान हमें किसके माध्यम से मिलता है? तो वह ज्ञान हमें विद्या के माध्यम से मिलता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, क्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्रिया जिन शब्दों में किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। कि जैसे हम मैं आप लोग को ब्लैक बोर्ड के थ्रू और वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो बताना, समझाना, तो ये सब क्या है? क्रिया है। किसके माध्यम से कर रहे हैं? तो हमें ब्लैक बोर्ड और मोबाइल की आवश्यकता है, ये हमारा स्रोत है। लेकिन मेरा क्या, मुख्य कार्य मेरा क्या है? पढ़ाना। तो जैसे किसी काम का काम करना या होना पता चले, जैसे दौड़ना, चलना, फिरना, खाना, सुनना, ये सब हमारी क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हो गया, आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिए बच्चों, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे हैं, आप लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो जो समय आपको मिला है उसका सदुपयोग करिए, इसको हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय को हमने खो दिया तो हमारा समय वापस नहीं आता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी समय मिले, जब भी आपके पेरेंट्स खाली हों, आप मोबाइल को लेके गेम खेलने के बजाय वीडियो देखकर उससे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और जब भी आपको समय मिले दोपहर में, शाम को, सुबह, तो आप अपने सिलेबस को तैयार भी करिए, क्योंकि आपका जब तक आपको तैयार नहीं होगा आप समझ नहीं पाओगे कि क्या इसमें दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। कारण तभी आप जान पाओगे जब आपको लर्न होगा, आपका सिलेबस तैयार होगा। तो अपने सिलेबस को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि कोरोना का जो काल है वो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण हुआ। तो इसलिए अपने अब जो समय आया है कम से कम उसका ही सदुपयोग करें। काकी चैप्टर 3 पे हम लोग देखते हैं, आज तक आपको बता दे रहे हैं। इस पाठ में माँ के प्रति बेटे के प्यार को बड़ा मार्मिक अंदाज से समझाया गया है। बालक अपनी दिवंगत माँ को पतंग की सहायता से वापस बुलाने की कोशिश करने में अपने पिताजी की जेब से पैसा चोरी कर लेता है। कि जो बच्चा है वह उसकी माँ का देहांत हो चुका है और वो अपनी माँ को इतना याद करता है, जब वो एक बालक है, उसके दिमाग में था कि पतंग के माध्यम से मैं अपने माँ को लेटर लिखूँगा, चिट्ठी लिखूँगा, उनसे बोलूँगा कि माँ तुम वापस चले आओ। एक बच्चे की नासमझ को उसमें दर्शाया गया है कि एक बच्चा अपनी माँ को किस हद से प्यार करता है, किस हद तक चाहता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, आपके भी मम्मी पापा हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये आपसे ही संबंधित है, आपसे ही अटैच है। आपके अपने मम्मी पापा के बारे में भी यही फीलिंग रखनी चाहिए आपको भी। जैसे वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आपको भी उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। उनकी बातों को मानिए, उनके कहे गए शब्दों को पूरा करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो जैसे दिया हुआ है, उस दिन बड़े सवेरे रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मीन्स होता है शोर। जब बच्चा सोया था और उठकर देखता है तो घर में खूब शोरगुल हो रहा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफ़ेद कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी थी कि
था पूरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, मतलब ऊपर से नीचे तक की उसका, उसके माँ का कुछ भी अंग बाहर नहीं था, सब अंदर था, ढका हुआ था सफ़ेद कपड़ों से। और घर के सब लोग उसे घेर कर गुलाब में सो रहे थे। जो घर के और जो सदस्य थे उनके चारों तरफ से घेरे हुए थे और सभी लोग रो रहे थे। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे, शमशान एक वह स्थान है जहाँ पे मरे हुए व्यक्तियों को जलाया जाता है, तो शमशान ले जा रहे थे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। मिस बहुत ही उपद्रव मिस होता है, उत्पात मिस होता है, उत्पात मिस होता है किसी की बात न सुनना और चिल्लाना। तब सबको अपनी तरफ आकर्षित, अपनी तरफ सबका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करवा देना। सिर्फ इससे एक बच्चा मतलब किसी के पैलेस में नहीं रह पाता है, रोता है, चिल्लाता है, पटकता है, उसको गौरा उपद्रव बोला जाता है। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गिरा बोला, काफ़ी सो रही है, इसे इस तरह उठा कर कहाँ ले जा रहे हो। एक छोटे से बच्चे के मन में ये भाव थी कि उसकी माँ तो वो अपने बच्चे को अपनी माँ को काफ़ी बोलता था, तो उसे लगता है कि उसकी माँ सो रही है और सब लोग उसको कहीं ले जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जाके लेट जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है और मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे उठाया कि वो अपने माँ के ऊपर गिर जाता है और जब कई लोग उसको तब बस नहीं लगता है तो उसको बड़ी हिम्मत लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तब वो उसको उसकी माँ से उसको अलग करते हैं। उसे काकी के दाह संस्कार में नहीं जाने दिया गया, मीन्स दाह संस्कार में जहाँ पे शमशान में जहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, जलाता में सतह जलाना, वहाँ नहीं ले जाने दिया गया। वहाँ पे जान गया कि छोटा बच्चा है, अपनी माँ को इस तरह से देखेगा तो उसको कष्ट होगा, वो भी एक नादान बालक है, तो एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। जो घर की एक नौकरानी थी वह राम राम करके उसे घर में ही अपने रख ली, अपने पास रख ली, उसको शमशान नहीं जाने दी। बच्चों देखो ये कितना, जैसे ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही कितना दर्दनाक है, एक बच्चे की भावनाओं को उसमें कितना मानवीय ढंग से दिखाया गया है कि कैसा लगता होगा जब किसी से कोई किसी का अपना किसी से छूट जाता होगा। तो बच्चों फिर लोगों ने इसे यह विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे अधिक दिन तक छिप न सकी और काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई है। कई दिनों तक काकी के लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका कि लोगों ने इसे विश्वास दिलाया। छोटे बच्चे होते हैं जब उसकी मम्मी पापा या कोई मर जाता है, बच्चे इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं कि उसके पिता की डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, वो वापस कभी नहीं आएंगे। नादान जो बालक होते हैं वो यही कहते हैं कि पापा ड्यूटी गए हैं, पापा यहाँ गए हैं, पापा शाम को आएंगे। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं या धीरे धीरे दिन बदलने लगता है वो उन चीज़ों को भूलने लगते हैं, लेकिन जो परंतु यह बात उनसे अधिक दिन तक छिप न सकी कि मामा के यहाँ गई है लेकिन वो वापस आ जाएगी, लेकिन कितना दिन तक कोई वापस आएगा, तो यह बात उसे ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकी। काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई कि वो जान गया कि भगवान जी के पास उसकी जो काकी है वो मामा के यहाँ नहीं बल्कि भगवान जी के यहाँ गई हैं। कई दिन तक काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया कि जितना वो रोता था कि उसका जो रोने की क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, परंतु अंदर से जो उसका दुख था वो शांत नहीं हो सका। तो ये बच्चों आज तक के लिए इतना ही। जो भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाया गया है आप उसको लर्न कर लीजिएगा और आगे का जो अध्याय है और जो कहानी है हम लोग कल खूब अच्छे से ध्यान से बैठ कर आप भी आप सुनिएगा, आपको समझाया जाएगा और हम आपको समझाएंगे। तो इसको इस क्लास इस चैप्टर को मिस मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। और जो भी बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं जिनके बारे में जानकारी जिसको नहीं है उनसे बोल कर उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, गुड बाय स्टूडेंट।